खबर सहित मु निवेदिता आरंभ करबा बुलेटिन प्रथमे हेडलाइंस। कारगिल विजय दिवस से शहीद को श्रद्धांजलि, दिल्ली रो जातीय युद्ध मेमोरियल रे श्रद्धांजलि जड़ाइले प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मंत्री अजय भट्ट। सेपटे बारामूला युद्ध मेमोरियल रे शहीद जवान को श्रद्धांजलि देते राष्ट्रपति। राज्य में पुणि 62 जीवन नेला भाइरस, खोर्धारू रेकर्ड 42 मृत्यु। सेपटे 24 घंटे 1637 पॉजिटिव, खोर्धारू 350, कटकू 250 आक्रांत। तेरे स्थिति देखि अनलॉक संपर्क में निष्पत्ति कहले डीएमईटी। ओलंपिक्स चतुर्थ दिन में भारत को मिश्रित फल, पुरुष तीरंदाजी टीम इवेंट हारा टीम इंडिया। टेबुल टेनिस द्वितीय राउंड में शरत कमल, महिला हॉकी रे जर्मनी सह टक्कर। आज खोलिला स्कूल प्रथम पर्यायर दशम द्वादश छात्र छात्री पाठपढ़ा। स्कूल आसवाप अभिभावकों अनुमति बाध्यतामूलक, कैंपस आइसोलेशन रूम। बोलबम पाने उठाइबाकु जाइथा बेले अघटन, नदी में बुड़गले दुई भाई, जने उद्धार जने निखोज। बालेश्वर मानपुर सुवर्णरेखा नदी सियाड़ी घाटी में अभावनीय घटन, अग्निशम बाहन पक्ष खोजाखोजी जारी। श्रावण मासर प्रथम सोमवार विभिन्न शैवपीठ में जललागी परंपरा, कोरोना कटका कावड़िया निराश, मंदिर में साधारण भक्तों दर्शन मिला। बुलेटिन आरंभ करिबा कोरोना संपर्कित खबरु। राज्य में पुणि 62 जीवन नेला भाइरस, एथिरे खोर्धारू रेकर्ड 42 जन मृतक रहिछंती। सेपरि सुंदरगढ़ 10, केन्द्रापड़ारू 4 जन मृतक रहिछंती। आज संख्या को मिसाई ओडिसा रे मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 5574 पहुंची। सेबेले 24 घंटा रे मोट 1637 पॉजिटिव चिन्हट होती। खोर्धारू सर्वाधिक 350, कटकू 250, अनुगुळ 100, जगतसिंहपुर 85 और जाजपुर 80 नुआ आक्रांत रहिछंती। आज कारगिल विजय दिवस, प्रतिवर्ष जुलाई 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस रूपे पालन करुछि देश। 1999 मसीह पाकिस्तानी सेना कश्मीर कारगिल अंचल में अनुप्रवेश करिथिला। पाकिस्तानी सेना को भारतीय माटी विताड़ित करने आरंभ होता ऑपरेशन विजय। ठीक 60 दिन रे लड़े पर आज दिन में विजय लाभ कर भारतीय सेना। युद्ध में 527 जन भारतीय जवान शहीद होते। से वीर जवान को श्रद्धांजलि जनवाई आज देशव्यापी विभिन्न कार्यक्रम आयोजन हो।1999 मसीहा आज तारीख में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को परास्त करी विजय बाना उड़ाई भारतीय जवान पूरा होता ऑपरेशन विजय। सफलतार सह हाई आउटपोस्ट कमांड कर भारतीय सेना। देश मातृकार सुरक्षा पर बलिदान देते भारत मातार सुयोग्य संतान। से ही अमर जवान को सम्मान जनाई प्रतिवर्ष 26 जुलाई में देशव्यापी पालित हो कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय सह इतिहास स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ी हो जाता भारतीय जवान को आउ एक वीरत्वर गाथा। 60 दिन धरी चली घमाघोट युद्ध, शत्रुपक्षर प्रति आक्रमण दृढ़ जवाब देता भारतीय सेना। बिना कौन सूचन पड़ोसी पाकिस्तान एलओसी ने निज सैनिकों भारतीय सीमार प्रवेश कराइला। तरली जा तुषार सुजोग नहीं पाकिस्तानी सेना कर घन घन आक्रमण। तेबे यह आक्रमण को तिले मात्र खातिर न करी आग को माड़ी चली भारतीय जवान। शेषे पाकिस्तान सेना को परास्त करने सह कारगिल उड़ी तिरंगा, देशव्यापी खेली जाता खुशी लहर। भारतीय जवान वीरत्व को नहीं गर्व करते देशवासी। महाविजय पर देशर प्रति सहर, प्रति गाँ और प्रति घर भारत मातार जयगान में प्रकम्पित होता। कारगिल युद्ध में शहीद होता से वीर जवान को आज झुरुचंति देशवासी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।
कारगिल विजय दिवस अवसर में दिल्ली रो जातीय युद्ध मेमोरियल ले शहीद को श्रद्धांजलि दिल्ली रो नेशनल वार मेमोरियल ठारे श्रद्धांजलि जुड़ाइले प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मंत्री अजय भट्ट। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, वायुसेना मुख्य मार्शल आरकेएस भदौरिया, नौसेना मुख्य वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार और सीआईएससी वाइस एडमिरल अतुल जैन मध्य शहीद जवान को श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसथि। सेपटे कारगिल विजय दिवस अवसर में शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और श्री डीएस बिपिन रावत शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। तेज खराब पाग जो ड्रास कारगिल युद्ध मेमोरियल परिवर्तन बारामूला युद्ध मेमोरियल पुष्पमाल्य अर्पण करेंगे राष्ट्रपति। अंपक्ष 1999 मसीहा कारगिल युद्ध में जो मैंने देश को विजयी कराई श्रद्धांजलि देवाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात कार्यक्रम जरिए देशवासी को आह्वान देते। भद्र चांदबाली कारगिल शहीद निरंजन बेरा स्मृतिपीठ सूचना देखते आम प्रतिनिधि भाग्यरथी सेठी। कारगिल शहीद दिवस यही दिवस रे चांदबाली एवं भद्रक अंचल जड़े वीर जवान कारगिल शहीद होते निश्चित भाव में 1999 मसीह जो कारगिल शहीद भद्रक जिलार ओडिशार जो 9 जन शहीद होते तरह भद्रक जिलार एकमात्र शहीद थे ओडिया शहीद से हूँ निरंजन बेहरा ताके समाधिपीठ में आम आज पहुँचीचु देखिपे मुझे देखी जो समाधिपीठ रही केवहलित रही आंठुए पा वर्षा दिन में ये आंठुए पा रही जाए ये समाधिपीठ से प्रशासन पक्षर वर्षक थे मात्र जो शहीद दिवस आसे से खाली फोलटीए दि जाए अतिवेश अन्य कौन सी कार्यक्रम करश्चित भाव में यह शहीद अवमानना जहाँ कहले अतृप्ति हम नहीं आम पाखे यही स्थानीय बासी जो शहीद निरंजन ग्रामांचल लोक अच्छा गाँव रू लोक अच्छा पचार सीधा सड़क कौन कहे जो शहीद निरंजन पर ये आम गाँव में जो भाई निरंजन बेहरा 1999 मसीहा अक्टोबर 29 तारीख में कारगिले शहीद होते तांकर ए उत्कुड़ा ग्राम पंचायत पांगुड़ा ग्राम रे से एक वीर जवान थिले जे फाइव पारा रेजिमेंट रे एवं तांको स्मृति पीठ पांगुड़ा ग्राम रे जो शहीद पीठ कराई से वर्तमान बहु अवहेलित हो रही एवं प्रशासन पक्षर कौन सी कार्य आज पर्यंत करा जाए ना एवं एवं एपर्यंत से अवहेलित हो ये कारगिल ना आमर ये शहीद पीठ वर्तमान सुधा अवहेलित रही निश्चित भाव में जहाँ प्रतीक्षा रखुले आज पर्यंत पखापाखि 22-23 वर्ष होगा जो अवहेलित हो अवस्था रही स्मृति पीठटी यही जगह शहीद निरंजन को जो तक शेषकृत संपन्न कर गाँव ठूँ मात्र अध किलोमीटर दूर में मझी स्थान जो बिल रही जो स्थान रही स्मृतिपीठ नामित कर जगह शहीद को रखा जाता है और ये शहीद स्मृति स्तंभ आज खाली प्रशासन पक्षर खाली फुलहार दि जाए निश्चित भाव में ये चतुर्पाश में एक गार्डेन करवा कथा कि चारिपट जो वाल हाँ कथा ताइन ये आंठुए आंठुए पा वर्षा दिन जमी रोचे निश्चित भाव में लोकों प्रतीक्षा रोचे आम पाखे अगर किसी जो बासीदा अच्छा शहीद निरंजन के मानने ग्राम पाखे लोक अच्छा कौन कह शहीद आम ये प्रशासन को अनुरोध करुचु जे आमर ये सान भाई शहीद निरंजन ये जो पीठ उपरे किसी देवाल होती किसी शुभ कार्य अनुष्ठान निश्चित भाव में जो प्रतीक्षा रखुले स्थान मानक निश्चित भाव जो स्मृति पीठ रही उन्नत मान पीठ कराऊ आगामी पीढ़ी मानी निश्चित यह जो गर्वर गौरव कथा निश्चित भाव में लोक देखिए एथप्रति प्रशासन दृष्टि देवाई स्थानीयवासी दाबी करुँच चांदबालू भाग्रेसेठी अर्गस न्यूज।
दीर्घदिन व्यवधान पर आज खोली स्कूल कोविड कटकणा भितर दशम एवं द्वादश श्रेणीर पिलामाने पाठ पढ़े आई गणशिक्षा विभाग पक्षर् स्वतंत्र एसओपी जारी करा जाए श्रृंखलित कोविड कटकणा नियम माने भितर पिलामाने पाठ पढ़ापी समस्त व्यवस्था होई छे स्कूल आसवापी अभिभावकों अनुमति बाध्यतामूलक गणशिक्षा मंत्री सूचना देते सेपरी सरकार निर्देश अनुजाई जिला नोडल अधिकारी स्कूल परिदर्शन करने को निर्देश दि जाए स्कूल गुडी संपूर्ण सानिटाइज मास्क एवं सामाजिक दूरता उपरे विशेष ध्यान दिया जना पड़ी सेपटे पांच मास परे ओडिशा समेत देशर विभिन्न राज्य में खोली स्कूल गुजरात मध्यप्रदेश पंजाब में आरंभ हो पिलांको पाठपढ़ा मध्यप्रदेश में एगार और बार श्रेणी छात्र छात्री स्कूल आसी पांच अगस्त रु नवम और दशम श्रेणी पर स्कूल खोल सेपटे राजधानी दिल्ली में वर्तमान स्कूल खोल को अनुमति मिलना कर्णाटक आज कॉलेज खोली किंतु केवल वैक्सीन नहीं छात्र छात्री को ही एंट्री मिल पार गुजरात में 50% छात्र को नहीं स्कूल खोल को अनुमति मिली पंजाब में ऑफलाइन सह ऑनलाइन क्लास जारी रहा लाइव क्लास में इतना मजा नहीं आता था पर ऑफलाइन क्लास जब से शुरू हुए तब से सर सामने होते हैं और हमारे डाउट्स ज़्यादा सॉल्व होते हैं और लाइव क्लास में आंखें भी ज़्यादा यूज होती है उसमें आंखों का भी चश्मा आ सकता है पर ऑफलाइन क्लास में सर सामने होते हैं इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है और लाइव क्लास में कम मज़ा आता है क्योंकि उसमें सर सामने नहीं होते हैं और ऑफलाइन क्लास में सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं हमारे क्लास में ही सॉल्व हो जाते हैं जब बच्चे स्कूल में आते हैं तब पहले तो उसका टेम्परेचर हमें ले लेते हैं उसका थर्मल गन से और उसका हाथ सैनिटाइज करवाते हैं बाद में हम क्लास में एंट्री देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे तो हमने रिसेस का भी अरेंजमेंट किया है लेकिन रिसेस एक साथ नहीं देंगे बीच में हम गैप रखेंगे कि चलो भाई स्टैंडर्ड 9 को दे दो 10 मिनट बाद में स्टैंडर्ड 10th को या 11th को इस हिसाब से सभी बच्चों को रिसेस भी मिलेगी और साथ साथ हमारी पढ़ाई भी होगी नजर पकाइबा एक गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु घटना रे अधिक तदंत पाई बलांगीर जाई फेरी पारला खेमुंडी पुलिस एक स्वतंत्र टीम बलांगीर में विद्याभारती करिथिबा बैचलर पार्टी अधिक तदंत करबा सह विद्याभारती ट्रेनिंग सेंटर जॉइन हेबा परठारु कौन सब करथिले केउं सांगमानक सह जोगाजोग रे थिले से सब तथ्य पुलिस संग्रह करिछे विद्याभारती दुईज सांगों सह जोगाजोग करी पुलिस तदंत जारी रखी पुलिस सूचना मिली गलापर आम इन्वेस्टिगेशन जो मैंने पचारिया कथा निश्चय पचारिगेशन पर्टिकुला तालिका से पचार प्रधानमंत्री आवास योजन होता दुर्नीति को नहीं कुचिंडा ब्लक परुआ भाड़ी पंचायत में बीजेपी पक्ष भिको पंचायत कार्यालय घेरव करने सहित राज्यपाल उद्देश्य एक दावीपत्र प्रदान कर राज्य सरकार पक्ष एक बैश आर्थिक वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना बंटन करबलपुर जिले में हिताधिकारी अणदेखा करने सहित कौन आवास योजन गृह प्रदान करजेपी पक्ष दृष्टि आकर्षण करफल मिल पारिना एथपाई बीजेपी सदासरक प्रशासनिक अधिकारी और राज्य सरकार को दायी करने सहित पंचायत कार्यालय घेराव कर कुचिंडा प्रतिनिधि सौम्यरंजन धल ए बाबद आलोचना आम सहित लाइव जोड़ी सौम्य आवास योजना को नहीं आपण जानते पूरा राज्यव्यापी गोटे प्रकार असंतोष निया देखा मिलता जो मैंने योग्य से आवास वंचित होती और विभिन्न स्थानों दुर्नीतिर अभोग आसुच्छे तेज कहुच्छे जे बीजेपी प्रतिवाद करुच्छी ताजा अपडेट कौन देवाक चाहिए खुलासा परे राज्यर विभिन्न स्थान रे बीजेपी कर्मी माने विभिन्न सरकारी पंचायत कार्यालय कथा कहतु ब्लॉक कार्यालय एवं आरडीसी कार्यालय घेरा कराइला
ତେଣୁ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଅଛୁ କେଶେବାଲ। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବବାଡ଼ିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଶେବାଲ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ସେ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରିମାଣ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରବି ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେର କଲେ, ପରେ ପରେ ଡିସ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଘେର କଲେ, ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଯେକୌଣସି ବି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା କଥା, ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମକୁ ଆଜି ହାଇଜାକ୍ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। କୌଣସି ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି 2018-19 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଲିକା ସଂଗ୍ରହକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ପହଞ୍ଚିଲା ଯୋଉ ଫାଇଲିନ ହେଲା କି ୟାସ ହେଲା, ଏଇ ୟାସ ଫାଇଲିନର ଯୋଉ କିଛି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ତାଲିକା ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ଚାଲ ଘର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ଅଣଦେଖା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପୌରାଭାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ପୌରାଭାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅଣଦେଖା କର ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଆଇ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ, ଆର୍ଆଇ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବାହାର କରିଦେବାର ଅଭିଯୋଗ, ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଏନେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବା କଥା, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବା କଥା, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବାଭାଡ଼ିରେ କଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ କେଶେବାଲରେ କରୁଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ 7-8-9 ତାରିଖ 314 ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଆମେ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଚଞ୍ଚକତା ବିଷୟକୁ ରଖିଲୁ, ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟକୁ ରଖିଲୁ, ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବିଷୟ ରଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଷୟ ରଖିଲୁ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଠକୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଫାଇଲିନରେ ସୌମ୍ୟ ପୁରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୂନ ଲଗାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଶାସକ ଦଳ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି ଯେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦଳ ଆମ କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ରିଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ବୋଲବମ୍ ପାଇଁ ନଦୀକୁ ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ଭାଇ ନିଖୋଜ ଅଛି। ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ମାନପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ସିଆଡ଼ି ଘାଟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଧର୍ମଦ୍ୱାର ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଣାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଳକର ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳକକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି। ପୋଡ଼ିପଦାକୁ ଆସିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଗାଁକୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଶେଷରେ ଚେୟାରରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲେ ଲୋକେ, ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲାନି ବନ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଚେୟାରରେ ବୁହା ହେଲେ ଗୁରୁତର ମହିଳା।
हाथी आक्रमण हेले गुरुतर तथा सहायता पाई पहुंचलानी वन विभाग भलकर देखु ए दृश्य को किभली हाथी आक्रमण शिकार जड़े गुरुतर महिला खटिया बोई डाक्तरखाना ने स्थानीय लोके गाँ को आसीपारे आंबुलांस अटकिला अधा बाटर ए दृश्य होउछि कोइडा बेतझर गाँवर हाथी आक्रमण में शिकार हो गुरुतर होते महिला सुनीता पंडा हाथी आक्रमण कर पांचटी घर भांगा सह महिला टेकी फोपाड़ी घटनार दुई दिन पर्यंत वन विभाग अधिकारी कौन देखा ना एपरिक चिकित्सा डाक्तरखाना निला महिला छुआटा दौड़ता ही फिंग दिला बड़े से आर पिला टके गोटके नला बड़े मुझे से भीतर नहीं चोपेली आओ जिम तो फिंग दिला से इतनी चोपेली दूर हुआ थोड़ा ही ला उठा तो भी नहीं पार के पूरा दूर बोल रही थी गोचरे बंग ए देता भी बाजी बोला कि नहीं बड़े नहीं पार चाहे उठा उठा भी बहुत विषय में बहुत हो ची सूचना पाई एने खबर संग्रह पाई पहुंची थी ले आम प्रतिनिधि महिला को अवस्था देखी निजे डाकी थी आंबुलांस किंतु दुर्भाग्य कोईडा ब्लॉक ठू मात्र 5 किलोमीटर दूर रे थिबा गाँव भितर को जाई पारि नथिला आंबुलांस रास्ता नथिबारु अधारु अटकी थिले आंबुलांस ड्राइवर शेषे बाध्य होई महिला को प्लास्टिक चेयर रे बसाई दौड़ी रे बांधि बोही आनी थिले स्थानीय लोके माने जीबा पई गाड़ी रो किछि सुविधा नाय सेथि पई गाड़ी रा ठिया करके आमे निजे नै के आसिलो अमर तो कर्तव्य सेटा करबा पई चेयर बोही गेले अंटा दरज है जखम है काली फरेस्ट को मुझे कहली गार्ड को नंबरटा दिए फरेस्ट को फोन करो गोटे आम्बुलेन्स नहीं आसन से भी शुणिले ना तेज प्रश्न उठू दुई दिन धरी हाथी आक्रमण में गुरुतर महिला कौन पर पहुंची नथिले वन विभाग अधिकारी आज भी विकास ठू अपहंच कोईडार अधिकांश अंचल जिले में डीएमएफ फंड रु सहर विकास खर्च होटि कोटि टंका एमतीक आवश्यक न थी पा भली खर्च कर सरकारी टंका किंतु खनिज पांठि विकास स्वाद चाखी पारु नाहंती कोईडावासी सुंदरगढ़ कोईडारु सुदाम बारिक को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तृतीय लहर आसीबार एपर्यंत कौनसी लक्षण नाही केबे आसीब कौन तार प्रभाव रहिब सेने विशेष सूचना भी नाही वर्तमान राज्य में संक्रमण जो ट्रेंड रही 1600 रु 2000 एही ट्रेंड अन्य देशर भी देखा जाइछि किछु जिल्ला रे अधिक संक्रमण रहुथिले भी पूर्व अपेक्षा बहुत कमिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन किंबा विभिन्न नियम गुड़िक दर्शाऊ पैंडेमिक समय चिकित्सा को प्राथमिकता देवा दरकार पैंडेमिक शेष होगा पर डेथ संख्यार हिसाब दि जाए विभिन्न राज्य में पद्धति को आपण विभिन्न दिगक अवलोकन करने अनलॉक संपर्क में निष्पत्ति संक्रमण हार रोगी संख्या और लोक कोविड गाइडलाइन अनुपम को देखि निष्पत्ति नेबूँ डीएमईटी सीबीके महांति संक्रमणटा जितेबाला कमे सेटा मैंने कौन गोटे निर्दिष्ट गति में सब रिजन में सामान हेनी आपत जानते कटक भुवनेश्वर जितेबाला आमर आडमिनिस्ट्रेटिव हम हो एजुकेशनल हम हो कि हेल्थ हम हो ये बहुत लोकंर चलाचल रही बाहर आसुच्ची तेणु निश्चित भाव ये कमी कि डिस्ट्रिक्ट तुलन से कमी आपण मैंने देखते मैंने अन्न देश में भी देखते यही पैटर्नटा जमती कि मैंने गोटे एग्जांपल देवी स्पेन हो इटली हो जोटा कि मैंने कम लोक संख्या यूरोपियन राष्ट्र से मैंने आमठ बहुत आगुआ से कौन ट्रेंड होता एमती मस मस धरिक गोटे आसिक गोटाए लेवल 2000 रु 4000 भितर प्राय मस मस रहा इवन स्पेन ने से चारिमास रही तेणु से दृष्टि आम देखा गले आम भी आशा करवा जेहेतु मैंने यहाँ भी पृथ्वीर अगर अंचल में भी यही ट्रेंडटा देखा दीजिए ये चली चली आहरी भी आस्ते आस्ते कमी आसूब समय क्रमे कमी एपर्तंत तो थर्ड वेव्र कौन लक्षण देखा जाए कहना ट्राजेक्टरी तो डाउनवर्ड अच्छी आपात तो स्थिर अच्छी तेणु थर्ड वेव आसब ना ना से आकलन अवस्था अच्छी थर्ड वेव आसीपे न आसी भी पारे आसिले भी कम आसीपे आसिले भी बेस भी हो तो पृथ्वी कौन थर्ड वेवटा सेकेंड वेवटू अधिक हबार तो नजर भी ना राज्य में संक्रमण कमी तथापि आगामी 2 रु 3 मास सतर्क रहिबाकु पड़िबो कोविड नियम मास्क पिंधिबा सामाजिक दूरता इंडोर ग्यादरिंग को रोकिबाकु पड़िबो राज्यर सामग्रिक स्थिति को देखि संपूर्ण अनलॉक विषय चिंता कराजिबो कोविड डेथ ऑडिट किछि बाकी अछि समस्त डेथ रिपोर्ट ऑडिट कराजिबा परे मृतकक संख्या दर्शाजिबो कोविड रे जो माने मृत्युवरण करुछन्ती सेमानक को डेथ सर्टिफिकेट दिया जाउछि सेथिरे किछि असुविधा नाही
कोविड डेथ को सर्टिफिकेट रे लेखिबार कोनोसी प्रोविजन नाही। संक्रमण किछि जिल्ला रे अधिक रहिथिले बि पूर्व तुलना रे कमिछि। एटा निश्चित भाव रे अनलॉक प्रक्रिया चालिबो परिस्थिति के देखि परिस्थिति हम तो इम्प्रूवमेंट होउछि। हमरो दैनिक संक्रमण सार रे ह्रास आसुछि, जेतिके टोटल एक्टिव पेशेंट सेथरे बि ह्रास लागुछि, रोगी डाक्तरखाना रे जो रहउछन्ति से संख्या रे ह्रास आसुछि। ये तीन टा कथा जदि ह्रास आसुछि निश्चय भाव रे सरकार विचार करिये, जेहेतु जीवन जीविकार कथा, लोक माने जीविका तांकर केमिति करिवे कोविड नियम पालन करि, किंतु पुणी से टैग लाइन ता तले आमको सतर्क रहिबा को पड़िबो। आसंता दुई तीन मास आम पे बहुत इम्पोर्टेंट, आम आसंता दुई तीन मास आम सतर्क होबा को पड़िबो। दिग से ही गुरुत्व आम बारंबार आम कही ये रोग मनीष मनीष देह को व्यापे, यार बाहक कहीं नहांती, निज भितर दूरता रक्षा करेंगे, मास्क पिंधे, गैदरी हेनी आम कही गोटे क्लोज रूम बड़ डेंजरस, क्लोज रूम एकाठी हवा करिवे नै, एकाठी दूरता रक्षा करिवे, गदा गोटे जगार जमीवे नै। समय सरिछ, बुलेटिन को एड सरिछ, मते विदा दियंतु, नमस्कार।